मंडी जनपद के देव बूढ़ा बिंगल के वीर माने जाने वाले देवता टुंडे वीर लगभग 85 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित भंडार में विराजमान हो गए हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायत कटीनी के गांव सांगला में नवनिर्मित भंडार का प्रतिष्ठा समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन का दौर 2 दिनों तक चलता रहा और रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय देवी देवताओं की 52 कमेटियां सहित हजारों लोगों ने देव टुंडी वीर का प्रसाद ग्रहण किया। ये भंडार लगभग 7-8 गाँव जैसे लोअर साडला, बनवाड़, त्रैंबड़ी, सांगली, मठीदार, बड़ीदार, कटिंडी, रूंज, द्वाडू आदि गाँव के लोगों द्वारा अपनी स्वेच्छा से दी गई सहयोग राशि के द्वारा तैयार किया गया है। और यह हमारा देवता प्राचीन काल से यहाँ गांव शाडला में या हमारे इस भंडार के साथ ही जो झील है वहाँ से प्रकट हुआ था। और ये मान्यता है कि ये देवता श्री देव बूढ़ा बिंगल जी के वजीर के रूप में विराजित हैं। और इनकी मान्यता ये है कि किसी समय की बात है कि तुंगल घाटी में डायन, जिसे भिरठी के रूप में कहा जाता है, वो तुंगली इलाके में लोगों का सहार करके हमारे इलाके की ओर बढ़ रही थी। तो हमारे इस देवता ने उस डायन को, जो आज भी बिजनी के सामने दरिया का नदी के किनारे सिंदूरी कलर के रूप में स्थापित, तो क्या कहें, मतलब वहाँ वो स्थापित हुई है, तो वहाँ है, आज भी देखी जा सकती है, तो उसको सहार किया था इन्होंने। और यहाँ जो लोग हैं, यानी ये लगभग 15-18 गांव के लोग इन्हें मानते हैं और ये देवता जो होते हैं उन लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। पंचायत के गांव शाजला में देव आदि टुंडी वीर जी के भंडार की प्रतिष्ठा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवता आदि वीर टुंडी आदि टुंडी वीर जी जो है देवता बूढ़ा बिंगल जी के वजीर हैं। और मैंने तो देवता जी से प्रार्थना की कि ये वर्ष सुख समृद्धि और शांति लेकर के आए और अपनी जो प्रजा है, अपनी प्रजा को अपना पूरा पूरा आशीर्वाद दें।